Good morning students, how are you? Hope you all are well at home. Today we are going to learn subject Hindi. So students, take out book and open page number 66. So students, lesson number 44, Gadi. Lesson number 44, Gadi. Gadi ko students hum English mein kya kehte hai? Watch. Have you seen no watch? Students, aapne watch to dekhi hogi. तो स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप की वॉच आती है, दीवार पे लगाने वाले हम हैंड में पहनते वो, और अलार्म घड़ी आती है टेबल पे हम रखते हैं छोटी घड़ी वो, तो अलग अलग टाइप की वॉच आती है. सो स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे लेसन में? घड़ी के बारे में. किसके बारे में? घड़ी के बारे में. सो स्टूडेंट्स, हम कहाँ भी जाते हैं तो पहले का हम टाइम देखते हैं घड़ी में. हम लंच करते हैं तो भी हम टाइम देखते हैं घड़ी में. हम प्ले करने जाते हैं तो भी हम टाइम करने प्ले करने जाते हैं तो भी हम घड़ी में देखते हैं. हम होमवर्क करने बैठते हैं तो भी क्या हम घड़ी में देखते हैं? यस, ऑलवेज सब अपना काम घड़ी में देख के ही सब करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम आज लेसन रीड करेंगे घड़ी. ओके, कब तुम जागो? कब तुम जागो? कब सोना है? कब सोना है? कब तुम कर सकते हो काम? कब तुम कर सकते हो काम? टिक टिक करती तुम्हें बताती, टिक टिक करती तुम्हें बताती, कब तुम कर सकते हो आराम? स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन. कब तुम जागो? कब सोना है? कब तुम कर सकते हो काम? टिक टिक करती तुम्हें बताती, कब तुम कर सकते हो आराम? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिक टिक करके बच्चों तुमको, टिक टिक करके बच्चों तुमको, समय बताती सुबह शाम, समय बताती सुबह शाम. हाथ घड़ी, दीवार घड़ी और मेज घड़ी है मेरा नाम. स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन. टिक टिक करके बच्चों तुमको, समय बताती सुबह शाम. क्या स्टूडेंट्स, टिक टिक करके बच्चों को क्या बताती है सुबह शाम? सुबह शाम समय. समय मीन्स टाइम, और सुबह मीन्स मॉर्निंग, और शाम मीन्स नाइट. सुबह शाम क्या? टाइम बताती है, समय. हाथ घड़ी जो हम हैंड में पहनते हैं वो कौन? वो हाथ घड़ी. और दीवार घड़ी जो हम दीवार पे लगाते हैं वो कौन सी घड़ी? दीवार घड़ी. और मेज घड़ी जो हम टेबल पे रखते हैं उससे हम कौन सी घड़ी कहते हैं? मेज घड़ी है. और मेरा नाम. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन में किसके बारे में बात की है? घड़ी के बारे में. किसके बारे में? घड़ी के. घड़ी मीन्स वॉच के बारे में ये लेसन में बात की है. सो स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन. कब तुम जागो? कब सोना है? तो स्टूडेंट्स, जब हम जागते तो भी हम घड़ी में देखते हैं, कब सोते तो भी हम घड़ी में देखते हैं. कब तुम कर सकते हो काम? तो स्टूडेंट्स, जब हम मम्मी काम करती हैं, हम भी कोई काम करते हैं, पापा काम करते हैं, हम कहाँ देखते हैं? पहले घड़ी में देखते हैं कि कितने बजे. टिक टिक करती तुम्हें बताती, कब तुम कर सकते हो आराम. क्या स्टूडेंट्स बताती है घड़िया? टिक टिक करके हमें टाइम बताती, समय बताती है. क्या? हमें समय बता. जब हमें आराम करना है तो हम घड़िया में, जब नाइट हो जाती है तो हम चलो अब सो जाए, देर हो गई, तो हम पहले कहाँ पे देखते हैं? जो जहाँ पे घड़ी होती है वहाँ पे देख, चलो मम्मी अब सो जाए, इतने बज गए, तो हम क्या करते हैं? आराम. टिक टिक करके बच्चों तुमको, समय बताती सुबह शाम. क्या स्टूडेंट्स, घड़ी है वो टिक टिक करके बच्चों को समय बताती सुबह और शाम. हाथ घड़ी, दीवार घड़ी और मेज घड़ी है मेरा नाम. तो स्टूडेंट्स, हाथ घड़ी मैंने बोला ना, हाथ घड़ी मीन्स हम हैंड में पहनते वो, दीवार घड़ी मीन्स हम वॉच दीवार पे लगाते हैं वो घड़ी, और मेज घड़ी मीन्स हम टेबल पे रखते वो मेज घड़ी है मेरा नाम. क्या है मेरा नाम? घड़ी. क्या है मेरा नाम? घड़ी. तो स्टूडेंट्स, हमने किसके बारे में लेसन रीड किया? घड़ी के बारे में. घड़ी मीन्स वॉच के बारे में अभी हमने लेसन रीड किया. सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 44 घड़ी कंप्लीटेड. स्टूडेंट्स,
नाउ लेसन नंबर 45 कछुआ और खरगोश. स्टूडेंट्स न्यू लेसन 45 कछुआ और खरगोश. तो स्टूडेंट्स ये लेसन में किसके बारे में हम बात करेंगे? कछुआ और खरगोश. तो स्टूडेंट्स कछुआ मीन्स टॉर्टोइस, कछुआ मीन्स टॉर्टोइस और खरगोश मीन्स रैबिट. खरगोश मीन्स रैबिट. ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये लेसन का नेम कछुआ और रैबिट. तो स्टूडेंट्स कछुआ, ये लेसन में कछुआ का नाम क्या है? किचू. क्या नाम है? कछुआ का नाम किचू है और खरगोश का नाम क्या है? बीनू है. ओके स्टूडेंट्स, लेस स्टेप पेज नंबर 67 एंड 68. लेस स्टार्ट स्टूडेंट्स लेसन. सुंदर स्टूडेंट्स, पहले हम मात्राएं सीख गए तो ओनली क्या करेंगे, हम रीड करेंगे. सुंदर वन में रूप तालाब में किचू कछुआ रहता था. रिपीट अगेन स्टूडेंट्स. सुंदर वन में रूप तालाब में किचू कछुआ रहता था. तालाब के पास ही घर बनाकर खरगोश रहता था. कौन रहता था स्टूडेंट्स? तालाब के पास ही, पास मीन्स नजीक में ही घर बनाकर बीनू रहता था. बीनू कौन? खरगोश. बीनू किसका नाम है? खरगोश का नाम है. और किच्चू किसका नाम है? कछुआ का नाम है. ओके स्टूडेंट्स, बीनू मीन्स खरगोश. ओके, बहुत घमंडी था. कौन घमंडी था स्टूडेंट्स? बीनू. कौन था? बीनू बहुत घमंडी था. घमंडी था बीनू, बहुत तेज दौड़ता था. तेज मीन्स फास्ट. बीनू बहुत तेज दौड़ता था. तेज खरगोश तो वैसे ही तेज दौड़ता है, और बीनू कैसे? बीनू जो किचू कछुआ था, वो कछुआ कैसे? धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली. ओके, बीनू बहुत तेज दौड़ता था, किचू बहुत धीरे धीरे चलता था. कैसे? जो ये किचू है खरगोश, वो कैसे? बहुत धीरे धीरे चलता था, स्लोली स्लोली. मीन्स बीनू हमेशा किचू की चाल का मजाक उड़ाता था. क्या करता था स्टूडेंट्स बीनू? बीनू हमेशा किचू की चाल का मजाक उड़ाता था, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता था ना, इसलिए. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ. एक दिन किचू ने बीनू से कहा. एक दिन किचू ने बीनू से कहा, बीनू हम दोनों दौड़ेंगे. क्या स्टूडेंट्स? एक दिन किचू ने बीनू से कहा, बीनू हम दोनों दौड़ेंगे. जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर तक पहले पहुंचेगा, जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर तक पहले पहुंचेगा. तालाब के इस बार मंदिर है, वो जो पहले पहुंचेगा वही विजेता माना जाएगा. वही विजेता मीन्स विनर माना जाएगा. जो पहले पहुंचेगा, किचू और इनू में से जो पहले पहुंचेगा मंदिर के पास पहले, तो उसे क्या माना जाएगा? विजेता माना जाएगा. बीनू बोला ठीक है. तो कौन बोला? बीनू. बीनू बोला ठीक है मीन्स डन. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. दूसरे दिन दौड़ शुरू हुई. दूसरे दिन दौड़ शुरू हुई. किचू ने धीरे धीरे चलना शुरू किया. किसने? किचू. जो कछुआ था वो क्या? धीरे धीरे चलता था. क्या? धीरे धीरे चलना शुरू किया. बीनू जरा सी देर में बहुत आगे निकल गया. कौन? बीनू. जो खरगोश था वो, बीनू तो वैसे ही रैबिट तो फास्ट ही दौड़ता है ना, बीनू जरा सी देर में बहुत आगे निकल गया. उसने पीछे मुड़कर देखा. क्या? उसने पीछे मुड़ के देखा. किचू कहीं दिखाई नहीं दिया. कौन? किचू. किचू कहीं दिखाई नहीं दिया. कछुआ मीन्स बीनू को सामने गाजर का खेत दिखा. किसका खेत दिखा बीनू को? गाजर. गाजर मीन्स कैरोट. किसका खेत? बीनू को गाजर का खेत दिखा.
उसने गाजर बहुत पसंद थे। उसे गाजर बहुत पसंद थी। किसको स्टूडेंट्स? किसको गाजर? बीनू को। उसे गाजर बहुत पसंद थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम लेट्स रिवाइज। सुंदर वन में रूप तालाब में किचू कछुआ रहता था। कौन रहता था स्टूडेंट्स? सुंदर वन रूप तालाब में किचू कछुआ रहता था। तालाब के पास ही घर बना कर बीनू खरगोश रहता था। स्टूडेंट्स तालाब के पास घर बना कर कौन रहता था? बीनू। कौन रहता था? बीनू खरगोश, खरगोश रहता था। बहुत घमंडी था। कैसा था वो? घमंडी। घमंडी मीन्स प्राउडी था। कैसा था वो? घमंडी था। कौन स्टूडेंट्स? बीनू, जो खरगोश था वो। बीनू बहुत तेज दौड़ता था। तेज मीन्स फास्ट। बीनू कौन? बीनू बहुत तेज दौड़ता था। किचू बहुत धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे मीन्स स्लोली स्लोली चलता था। बीनू हमेशा किचू की चाल का मजाक उड़ाता था। क्या करता था बीनू? हमेशा किचू की चाल का मजाक उड़ाया करता। एक दिन किचू ने बीनू से कहा, बीनू हम दोनों दौड़ेंगे। ओके, जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर तक पहुंचेगा वही विजेता माना जाएगा। क्या बोला स्टूडेंट्स? एक दिन किचू ने बीनू से कहा कि हम दोनों दौड़ेंगे। जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर पर पहले पहुंचेगा वो क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स? विजेता, विजेता माना जाएगा। बीनू बोला ठीक है। बीनू बोला ओके। दूसरे दिन दौड़ शुरू हुई। किचू ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। बीनू जरा सी देर में बहुत आगे निकल गया। उसे पीछे मुड़कर देखा, किचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। किसने देखा स्टूडेंट्स? किसने देखा? बीनू ने देखा कि किचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बीनू को सामने गाजर का खेत दिखा। किसका खेत दिखा बीनू को? गाजर का खेत दिखा। उसे गाजर बहुत पसंद थी। क्या? उसे गाजर बहुत पसंद थी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, उसने सोचा तब तक क्यों ना गाजर खाए जाए। क्या सोचा स्टूडेंट्स? उसने सोचा तब तक क्यों ना गाजर खाए। किसने सोचा स्टूडेंट्स? बीनू ने। उसने भरपेट गाजर खाई फिर वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने भरपेट गाजर खाई फिर वह एक पेड़ मीन्स ट्री के नीचे लेट गया। लेट मीन्स वो सो गया। क्या? एक पेड़ के नीचे वो सो गया। क्या किया था उसने? भरपेट गाजर खाई थी ना, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उसने सोचा कि जब किचू पास आएगा तो उसने सोचा कि जब किसू पा किचू पास आएगा किसने सोचा स्टूडेंट्स? बीनू ने। किसने सोचा? बीनू ने सोचा। तो दौड़कर उससे आगे निकल जाऊंगा। किसने सोचा? बीनू ने सोचा कि जब किचू मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा? दौड़कर उससे आगे निकल जाऊंगा। पर उसे गहरी नींद आ गई। क्या? गहरी नींद आ गई। वो नींद आई तो वो क्या? सो गया। उधर किचू धीरे धीरे लगातार चलता रहा। कौन? किचू। कौन स्टूडेंट्स? कछुआ। वो क्या? धीरे धीरे लगातार चलता रहा। वो स्लोली स्लोली चलता ही रहा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचकर मंदिर के पास बैठ गया। क्या किया स्टूडेंट्स किचू ने? चलते चलते वह तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचकर मंदिर के पास बैठ गया।
जब बीनू की नींद खुली तो उसे पीछे मुड़ कर देखा। किसने देखा स्टूडेंट्स? बीनू ने देखा। उसकी नींद खुली तो उसने पीछे मुड़ कर देखा, किचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौन स्टूडेंट्स? किचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह तेजी से दौड़ने लगा, तेजी मीन्स फास्ट। वो तेजी से दौड़ने लगा। कौन स्टूडेंट्स दौड़ने लगा? कौन? बीनू दौड़ने लगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब बीनू मंदिर के पास पहुंचा तो वहां किचू को बैठा देखकर हैरान रह गया। कौन स्टूडेंट्स? जब बीनू वो मंदिर पहुंचा, मंदिर के पास पहुंचा तो वहां कौन बैठा था? किचू। कौन बैठा था? किचू को बैठा देखकर वो हैरान हो गया। किचू बोला, कहो बीनू कौन जीता? किसने बोला स्टूडेंट्स? किचू ने बोला। वो जो कछुआ था वो कौन था? किचू। और बीनू मीन्स खरगोश। तो कौन बोला? किचू ने बोला, कहो बीनू कौन जीता। वह सुनकर बीनू खिसाया। क्या खिसा गया? वह सुनकर बीनू खिसिया गया। क्या? वह सुनकर बीनू खिसिया गया। खिसिया मीन्स वो गुस्से हो गया। हमें कभी तो ये लेसन से हमें सीख मिलती है स्टूडेंट्स की हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए और हमें दूसरों का कभी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम रिवाइज। उसने सोचा तब तक क्यों ना गाजर खाए जाए। किसने सोचा स्टूडेंट्स? बीनू ने सोचा कि जब तक किचू नहीं आए तब तक मैं क्या करूँ, गाजर खा लूँ। उसने भरपेट गाजर खाई। फिर वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने वो बीनू था उसने भरपेट गाजर खा लिया। और क्या किया उसने? फिर एक पेड़ के नीचे वो लेट गया। उसने सोचा कि जब किचू पास आएगा तो दौड़कर मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। पर उसे गहरी नींद आ गई। उधर किचू धीरे धीरे लगातार चलता रहा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचकर मंदिर के पास बैठ गया। कौन स्टूडेंट्स? किचू था। वो धीरे धीरे लगातार चलता रहा और चलते चलते तालाब के पास दूसरे छोर पर पहुंचकर मंदिर के पास वो बैठ गया। जब बीनू की नींद खुली उसने पीछे मुड़कर देखा। जब बीनू जगा तो उसने क्या? पीछे मुड़ के देखा कि वहाँ किचू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वह तेजी से दौड़ने लगा। तेजी मीन्स फास्ट दौड़ने लगा। जब बीनू मंदिर के पास पहुंचा तो वहां किचू बैठा देखकर हैरान रह गया। क्या स्टूडेंट्स? जब बीनू मंदिर के पास पहुंचा तो किचू को बैठा देखकर वो हैरान हो गया। किचू बोला, कहो बीनू कौन जीता? क्या बोला? किचू बोला, कहो बीनू कौन जीता। वह सुनकर बीनू खिसिया गया। क्या किया उसने? खिसिया मीन्स वो गुस्से हो गया। हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? हमें कभी भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें कभी भी किसी का मीन्स दूसरों का मजाक हमें उड़ाना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 45 कछुआ और खरगोश कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स, की प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।